मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश पूर्णतः सुरक्षित और व्यवसाय के लिए लाभकारी है। निवेशकों के पूंजी की सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार की है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि दुर्व्यवस्था थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, व्यापारियों को धमकियां दी जाती थी, बिजनेसमैन को प्रताड़ित किया जाता था। एक एक फाइल के लिए उन्हें कई कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने रिस्क लिया और रिफॉर्म किया, पॉलिसी बनाई और उसे मजबूती के साथ लागू किया। यही वजह है आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता के सीमेंट प्लांट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेके सीमेंट उत्तर प्रदेश का औद्योगिक समूह है। कतिपय कारणों से उत्तर प्रदेश से इनका विश्वास कम हो गया था और यह समूह प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो गया। धीरे धीरे इस समूह ने उत्तर प्रदेश से अपने निवेश को समेट कर अन्य राज्यों में करना शुरू कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के अभियान के क्रम में संगम नगरी में जेके सीमेंट के द्वारा यह संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद इस समूह को पहले 3 वर्ष यह समझने में लग गए कि सरकार की कथनी और करनी में कोई सच्चाई है कि नहीं। हमारी सरकार की कथनी और करनी के जब परिणाम सामने आए तो देखते ही देखते जेके समूह ने 1200 करोड़ के निवेश के साथ प्रदेश में 3 प्लांट 2020 में अलीगढ़, 2022 में हमीरपुर और 2024 में प्रयागराज में स्थापित कर दिया है या करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी में रेलवे, एक्सप्रेसवे और हाईवे का बेहतरीन नेटवर्क है। इससे यहाँ के उत्पाद दूसरे राज्यों में आसानी से भेजे जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में देश में ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। जेके सीमेंट का यह निवेश यूपी के सपने को पंख देगा। यह निवेश हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज उत्तर प्रदेश के किसी औद्योगिक समूह को अपने प्रदेश से पलायन करने को मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल बना है। यही वजह है कि 2016 में जो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर हुआ करता था, आज देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट कैसे होता है, यह भी उत्तर प्रदेश ने GIS 2023 के माध्यम से देश को दिखा दिया। उस समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्रदेश को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष फरवरी में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव का ग्राउंड ब्रेकिंग किया। यही नहीं, वर्तमान समय में बहुत सारी इकाइयों ने उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। इससे लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावना बनी है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश प्रगति और परिवर्तन का साक्षी बना है। औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धि ने एक नया आयाम और एक नया मुकाम हासिल किया है। इसी श्रृंखला में आज जेके सीमेंट द्वारा 20 लाख टन उत्पादन क्षमता के सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। यह प्लांट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प की भव्य इमारत का मजबूत स्तंभ साबित होगा। मंत्री नंदी ने कहा कि आज का दिन माँ गंगा यमुना और सरस्वती के आंचल में बसी संगम नगरी प्रयागराज के लिए भी अविस्मरणीय है। पूरी दुनिया में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति से पहचाने जाने वाले शहर में औद्योगिक पहचान का एक नया अध्याय जुड़ा है। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, प्रदेश के मुख्य सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर, जेके सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट निधिप्ति सिंघानिया, मैनेजिंग डायरेक्टर राघवप्ती सिंघानिया, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO माधव कृष्ण सिंघानिया, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अरुण शर्मा, प्रयागराज से विधायक वाचस्पति विनोद प्रजापति और अनुज खंडेवाल आदि उपस्थित रहे। जेके सीमेंट लिमिटेड संगम नगरी प्रयागराज में लगभग 400 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 20 लाख टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता वाली प्रदेश में अपनी तीसरी सीमेंट निर्माण इकाई स्थापित कर रहा है। इस इकाई से कम 350 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले यह समूह अलीगढ़ और हमीरपुर में अपना प्लांट स्थापित कर चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में तीनों इकाइयों का कुल निवेश लगभग 1200 करोड़ रुपए है।